एगो कहावत सुने हैं आप पत्रकार महोदय, आन्हर देश में काना राजा। हमारे यहाँ खूब चलता है ऐसा आश्वासन, आश्वासन होता है, ठीक है ना। हमारे सांसद महोदय अभी कैबिनेट मिनिस्टर है, आपको सब कुछ पता होगा, है ना, कौन कौन पदभार संभाले हुए हैं, पहले भी कौन पदभार संभाले थे, उनको जो जो पद मिला आज तक, तो उसके लिए तो कुछ काम नहीं हुआ यहाँ। वही है ये सिस्टम, यहाँ जनता अंधी हो के वोट दे देती है, कोई भी आके राजा बन जाता है, अब उसको पता ही नहीं है कि सेवा करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं BNP न्यूज़, मैं अंकित सांडलिया। आज से 6 महीना पहले BNP न्यूज़ के माध्यम से एक न्यूज़ चली थी, फौजी के घर में, सैनिक के घर में 25 लाख की डकैती। उस वक्त हमने सबूत के लिए वीडियो भी दिखाया था और वीडियो क्लिप में साफ साफ दिख रहा था 4 चोर जो हैं ताला तोड़ के डकैती किए थे, और उस सबूत को संबंधित थाना में भी दिया गया था, SP के पास भी दिया गया था। लेकिन पिछले 6 महीने से आश्वासन ही सिर्फ मिला है, कोई कार्रवाई नहीं। यूँ तो अक्सर देखा जाता है कि सैनिक को सम्मान देने के लिए हुजूम लग जाता है, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिल जाती है। वहीं जब एक सैनिक को इंसाफ देने की बात आती है तो उस समय सारे गायब हो जाते हैं। करीबन 6 महीना बीत गया है और अवनीश सिंह जी, जो कि मेजर रोशन के छोटी भाई हैं, ये लगातार पिछले 2-3 सालों से सामाजिक कामों में लगे हुए हैं। जयमंगला वाहिनी के माध्यम से लगभग 1200 रक्तदान इन्होंने करवाया है। एक तरफ ये समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन इनको खुद न्याय नहीं मिल रहा है और किससे ये क्या उम्मीद कर सकते हैं। चाहे बेगूसराय के सांसद हों, बेगूसराय के DM हों, बेगूसराय के SP हों, सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया है, कार्रवाई कुछ नहीं की है। तो आइए, आज ये लोग अनशन पे बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और आगे ये क्या करने वाले हैं। 6 महीने के बाद आप लोग अनशन पे बैठे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, विगत 6 महीना हो गया यह चोरी की, और लगातार हम लोगों ने सामाजिक प्रयास से, मतलब जो है सो समाज के अंदर में जाकर के काम किया है और समाज में अपना न्याय ढूंढने का प्रयास किया है। जाकर के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, जिनसे भी था, हम लोगों ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मिला ढाक के 3 पात। लास्ट में हम लोगों ने एक अपने न्याय के लिए हम लोगों ने आमरण अनशन की, मतलब जो है अनशन पे बैठे हुए हैं, और जब तक न्याय हम लोगों को नहीं मिलेगी, हम लोग यूं ही आमरण अनशन करते रहेंगे, क्योंकि घर में भी मरना है और यहाँ भी मरना है। तो यहाँ मरना हम लोग जायज़ समझते हैं और घर में मरना हम जायज़ नहीं समझते हैं। यूँ तो बेगूसराय में कई सारी डकैतियाँ हुई हैं और पुलिस ने लगभग ज़्यादा समय भी ले ले तो 1 से 1.5 महीना में उद्भेदन कर ही दिया है, लेकिन यहाँ पे वीडियो क्लिप होने के बावजूद उसमें सबूत साफ दिख रहा है कि ये लोग चोरी किए, कुछ फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, वीडियो जो भी है, CCTV फुटेज जो भी है, और जहाँ तक हम लोगों से ढूंढ करके हम CCTV फुटेज जिला प्रशासन को दिया, और मेरे घटना के जस्ट बाद बीहट में घटना हुई और उसका निष्पादन जिला प्रशासन के द्वारा हो गया, उसका सामान भी बरामद हो गया। इतनी बड़ी सामान, 25 लाख की सामान है, और आज तक हम लोगों को नहीं मिली है, ना ही हम लोगों को न्याय मिला है। और वहाँ बीहट वाला मामला छोटा सा मामला था, वो निष्पादन हो गया, क्योंकि यहाँ जिला प्रशासन की ढुलमुल रवैया, और कहीं ना कहीं अब हमें लगता है जिला प्रशासन बिक चुकी है, इस वजह से हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, और जब तक अब न्याय नहीं मिलेगा हम लोग बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। बिल्कुल, जिला प्रशासन ने उस घटना के बाद वाली कई घटनाओं का उद्भेदन कर दिया था, लेकिन इस घटना में वो कुंकर्म की निद्रा में है। मैं आगे और भी लोगों से बात करूंगा कि आखिर अनशन करने के बाद भी अगर वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं और आगे कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये लोग क्या करेंगे। एगो कहावत सुने हैं आप पत्रकार महोदय, आन्हर देश में काना राजा। हमारे यहाँ खूब चलता है ऐसा, वही है ये सिस्टम, यहाँ जनता अंधी हो के वोट दे देती है, कोई भी आके राजा बन जाता है, अब उसको पता ही नहीं है कि सेवा करना। उद्भेदन हो गया इनका, हुआ है 5-6 महीना हो गया, उनका कोई उद्भेदन नहीं हुआ है। अब इस चीज़ को समझिए आप, क्यों नहीं हुआ है, खाली आश्वासन पे चल जाएगा क्या? इसका आखिरी रास्ता यही है। आप जैसे अमरण अनशन पे बैठे हैं,
हमारे मित्र हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप एक चीज़ समझिए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जब साथ बैठा हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जब न्याय नहीं हो पा रहा है, तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ कितना न्याय होता होगा, इस चीज़ को आप बारीकी से समझिएगा। हैं, तो जब इस तरीके का माहौल है तब इसमें क्या कर सकता है आदमी। आदमी जहाँ तक सक्षम है अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर रहा है, आदमी बैठा हुआ है आंदोलन पे। अभी एक सप्ताह पहले आप लोगों ने एक आवेदन दिया था सांसद महोदय को और जिला पदाधिकारी महोदय को, तो उनका क्या हुआ? आश्वासन आश्वासन होता है, ठीक है ना। हमारे सांसद महोदय अभी कैबिनेट मिनिस्टर है, आपको सब कुछ पता होगा, है ना, कौन कौन पदभार संभाले हुए हैं, पहले भी कौन पदभार संभाले थे, उनको जो जो पद मिला आज तक, तो उसके लिए तो कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता का बात वो कितना सुनेंगे, आप बुझिए रहे हैं। और वो कोनो बेगूसराय या बिहार के तो मंत्री हैं नहीं, वो तो मोदी जी के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। तो इस चीज़ को समझ ही जाइए आप कि एक विधायक जब सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक जिला प्रशासन में DMSP कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक मतलब छोटा छोटा कार्यकर्ता सुनने के लिए तैयार नहीं है, तू तो मंत्री है भाई, वो कैसे सुन लेंगे? कब तक अनशन करेंगे आप लोग? यह हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। बिल्कुल, आपने देखा, इन्होंने कहा कि यह हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगी। सैनिक जो है देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे है, 6 महीने से मेजर रोशन घर नहीं आए हैं। उन्होंने राज्यपाल तक पत्र लिखा, उनसे बात करी, कई बार DM साहब को उन्होंने कॉल किया, SP साहब को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक मेजर हो के वो ड्यूटी भी कर रहे हैं वहाँ बॉर्डर पे, और इनसे लगातार जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे केस पे ध्यान दीजिए, फिर भी कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आगे देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। अब ये लोग अनशन कर रहे हैं कि आगे पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और SP महोदय कब तक कार्रवाई लेते हैं। आगे आप देखते रहिए BNP न्यूज़। धन्यवाद।